सो गाइस फाइनली वी ऑल नो हुंडई एक्सटर 10th ऑफ जुलाई को फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है एंड कहीं ना कहीं इस कार ने थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है बायर्स के दिमाग में जो इस सेगमेंट में कार ढूंढ रहे हैं अपने लिए. तो मैं पहले इस बात पे बात करते हैं कि इस कार का डायरेक्ट कंपटीशन किस कारों से हैं. तो इस कार का डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है टाटा पंच, सिट्रॉन C3 एंड कहीं ना कहीं मैग्नाइट और काइगर को भी ये कार कम्पीट करेगी. सो बात की जाए इस सेगमेंट में जो कार रूल कर रही है इस टाइम पे करंटली, तो वो है टाटा पंच जो नियरली एवरी मंथ 10,000 प्लस यूनिट सेल कर रहा है इस सेगमेंट में. और कोई कार इस सेगमेंट में इतना मार्केट कैप्चर नहीं किया है. बात की जाए सिट्रॉन C3 की तो वो तो अभी 1,000 कार सेल भी नहीं कर पा रहे हैं आपकी पर मंथ बेसिस पे. तो इस फिलहाल इस सेगमेंट में जो कार सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है वो टाटा पंच है. इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग कंपेयर कर रहे हैं इस कार को टाटा पंच के साथ. सो फाइनली इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये कार इतनी कैपेबल है कि वो टाटा पंच को कम्पीट कर पाए, और क्या वो टाटा पंच जिस तरह से सेल्स के मामले में टाटा पंच काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्या ये कार उसको बीट कर सकती है. तो आज इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों कारों में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की. तो फिलहाल करंटली पंच में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, ऑल्दो इसके जो EV और CNG इंजन ऑप्शंस हैं वो जल्दी ही मार्केट में आने वाले हैं. बट करंटली आपको इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन मिलता है. एंड वहीं बात करें हुंडई एक्स्ट्रा की, तो हुंडई एक्स्ट्रा आपको दो इंजन ऑप्शन के साथ अभी आ रही है. एक इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और एक इसका 1.2 लीटर CNG इंजन. जो दोनों इंजन्स में डिफ्रेंशिएट पैदा कर रहा है वो है इनका सिलेंडर्स. पंच आपको 3 सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, वहीं एक्स्ट्रा आपको 4 सिलेंडर इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है. सो गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद पंच ओन कर रहा हूँ, मैं कोई बायस ओपिनियन यहाँ पे नहीं दूंगा. फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कभी भी कंपेयर करो एक 4 सिलेंडर कार को 3 सिलेंडर कार से, तो आपको 4 सिलेंडर कार ज़्यादा रिफाइंड मिलेगी. 4 सिलेंडर कार में NVH लेवल लो रहता है, आपको नॉइज एंड वाइब्रेशन 4 सिलेंडर कार में फील नहीं होगा. तो 4 सिलेंडर कार हमेशा से एक गुड ऑप्शन होता है अगर आप इंजन वाइज कंपेयर करोगे. तो 3 सिलेंडर कार में आपको वो नॉइज वाइब्रेशन मिल जाएगा जो आपको 4 सिलेंडर कार में नहीं मिलेगा, और 3 सिलेंडर कार इतना ज़्यादा रिफाइन में इंजन उसका नहीं होता. अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इन टर्म्स ऑफ इंजन कहीं ना कहीं हुंडई एक्स्ट्रा एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू टाटा पंच. सो गाइस अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है एक्सटीरियर. कहीं ना कहीं लुक्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो हर बंदे को अलग अलग पसंद आ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कुछ को पंच के लुक्स अच्छे लगते हैं, कुछ को पंच के लुक्स अच्छे नहीं लगते हैं. सिमिलरली कुछ को एक्स्ट्रा के लुक अच्छे लग रहे हैं, कुछ को एक्स्ट्रा के लुक अच्छे नहीं लग रहे हैं. तो लुक्स हमेशा एक सब्जेक्टिव पॉइंट होता है, बट कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रहता है. बिकॉज जब तक आपको, चाहे लोग कितना भी बोले कि इंजन 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 बात ठीक है, मैं मानता हूँ इंजन हमेशा एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, बट कहीं ना कहीं लुक्स भी बहुत मैटर करते हैं जब आप एक कार परचेस करने जा रहे हो. अगर आपको किसी कार के लुक्स ही समझ नहीं आएंगे तो आई डोंट थिंक सो आप उस कार को लेना भी पसंद करोगे. तो बात की जाए लुक्स की, तो मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ एक्सटीरियर लुक जो है हुंडई एक्स्ट्रा का, उसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है. जो नए हेडलाइट यूनिट उसमें यूज़ किया गया है, जो H डिज़ाइन हेडलाइट यूनिट उसमें आ रहा है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो फ्रंट प्रोफाइल से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है कार का. वहीं बात की जाए रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल में भी वही आपको टेल लैंप में एच डिज़ाइन टेल लाइट सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा लग रहा है टेल लाइट भी इसकी. बट जो बात आनी चाहिए रेयर प्रोफाइल में वो मुझे नहीं क्लिक कर रही. तो रेयर प्रोफाइल मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, हो सकता है आपको पसंद आए. एंड बात की जाए बाकी कार एक बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आती है, एंड उसके साथ साथ आपको 185 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लीयरेंस भी इस कार में मिलती है. रूफ रेल्स प्लस बॉडी ग्लाइडिंग इस कार को एक प्रॉपर SUV वाला लुक दे रही है. तो लुक वाइज कार ओके है. वही बात करूँ मैं टाटा पंच की, तो टाटा पंच में भी सेम एज हुंडई एक्स्ट्रा, टाटा पंच का फ्रंट प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. फ्रंट फेशिया इसका जो है वो हैरियर इंस्पायर्ड है. वहीं बात की जाए रेयर प्रोफाइल की, तो अगेन सेम एज एक्स्ट्रा, रेयर प्रोफाइल भी पंच का थोड़ा सा मार खाता है इसके फ्रंट प्रोफाइल के आगे. रेयर प्रोफाइल भी मुझे पंच का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कंपेयर टू
फ्रंट प्रोफाइल। अगर मैं बात करूं दोनों कारों के, कंपेयर करूं अगर मैं दोनों कारों का रेयर प्रोफाइल, तो फिर भी मुझे पंच का रेयर प्रोफाइल बेटर लगता है हॉन्डाई एक्स्ट्रा के रेयर प्रोफाइल से। सो गाइज ये तो बात रही एक्सटीरियर की, अब बात करते हैं दोनों कारों के सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट की, वो है सेफ्टी। एंड आजकल कहीं ना कहीं हर बार्स के लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी भी बनता जा रहा है सेफ्टी। पहले के टाइम अलग था जब लोग सेफ्टी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट आज के टाइम पे बार्स सेफ्टी के लिए सोचता है। शायद यही रीज़न है कि टाटा और महिंद्रा जैसी इंडियंस कार जो अपनी सेफ्टी की वजह से इंडियन मार्केट में काफ़ी शेयर कैप्चर कर पाई है एंड इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब बायर्स के लिए माइंड में सेफ्टी भी कहीं ना कहीं एक कंसर्न है अगर वो जब भी कोई कार सिलेक्ट करने जाता है। तो बात करें दोनों कारों की सेफ्टी की, तो पहले बात करते हैं हॉन्डाई एक्स्ट्रा की। तो हॉन्डाई एक्स्ट्रा आप सबको पता है, हॉन्डाई एक्स्ट्रा i10 नियोस एंड ऑरा के प्लेटफॉर्म पर बनी है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर क्वालिटी की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो आई एम नॉट श्योर ये कार कितनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी वाइज स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि एनकैप जे एन कैप रेटिंग हम को सबको पता है कि i10 और ऑरा की क्या आई है। उस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे इतना थोड़ा सा डाउट है इसके स्ट्रक्चर क्वालिटी पे, इसकी बिल्ड क्वालिटी पे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि स्ट्रक्चर क्वालिटी कार की कम है, तो कहीं ना कहीं कार कम रेटिंग भी स्कोर करेगी, ऐसा नहीं है। इस कार में आपको एडिशनल इतने सारे सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं जो इस सेगमेंट की और कार्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस कार में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं, जो अभी तक इस सेगमेंट में कोई कार ऑफर नहीं करी। बेस मॉडल से 6 एयरबैग मिलना बहुत बड़ी बात है यार। 6 एयरबैग तो टाटा पंच के टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते, और ये कार आपको 6 एयरबैग दे रही है, वो भी बेस मॉडल से। तो आप सोच सकते हो सेफ्टी के लिए हॉन्डाई कितना ध्यान दे रहा है, बिकॉज हॉन्डाई भी समझ रहा है इस समय इंडियन मार्केट में इंडियन कंज्यूमर्स का माइंडसेट क्या हो गया है। इंडियन कंज्यूमर, इंडियन बायर्स आजकल सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देने लगा है। शायद यही रीज़न है कि बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग देखने को मिल रहे हैं इसमें। उसके साथ साथ इस कार में आपको TPMS मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS जैसे बहुत सारे 40 सेफ्टी फीचर्स आपको इसके टॉप मॉडल में देखने को मिलेंगे। एंड सेफ्टी के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी ध्यान दिया इस बार हॉन्डाई ने, बिकॉज हॉन्डाई को पता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करना कार में वो शायद इतना फिजिबल नहीं है। बट हाँ, वो जो फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं वो कहीं ना कहीं अब इस कार को इस ई के प्लेटफॉर्म पर बनने वाली और कारों से ज़्यादा सेफ बना रहा है। वहीं बात की जाए टाटा पंच की, टाटा पंच वी ऑल नो 5-star रेटेड कार है एंड एक बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज वी ऑल नो कि टाटा पंच एक बहुत बढ़िया कार है, बट कहीं ना कहीं टाटा पंच में वो सेफ्टी फीचर्स मिस हैं जो कि हॉन्डाई एक्स्ट्रा में ऑफर किए जा रहे हैं इस टाइम। तो अगर मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है दोनों के बीच में, बिकॉज जो चीज़ें आपको हॉन्डाई एक्स्ट्रा में मिल रही है वो टाटा पंच में मिस है, और जो चीज़ टाटा पंच में मिल रही है वो हॉन्डाई एक्स्ट्रा में मिस है। तो सेफ्टी वाइज मैं अगर बोलूँगा कि टाटा पंच 5-star रेटेड कार है, वी ऑल नो, बट कहीं ना कहीं हॉन्डाई एक्स्ट्रा भी अपने इन फीचर्स की वजह से काफ़ी हद तक एक सेफ कार बन रही है। वहीं बात करते हैं अब दोनों कारों में मिलने वाले फीचर्स की। तो भाई पहले ही मैं बताऊं, मैं ये अपने पुराने वीडियोस में ही बोल चुका हूं कि हॉन्डाई एक्स्टर इस समय काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में आने वाली है, और कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फर्स्ट इन द सेगमेंट दिए जा रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, इस कार में आपको फर्स्ट टाइम इनबिल्ट डैश कैम मिलने वाला है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में जोर देता हूं कि हम लोग एक्सेसरीज में सब चीज़ों में एक्सपेंसेस करते हैं, हम एक डैश कैम जैसा फीचर मिस कर देते हैं, और इस बार कंपनी खुद अपनी तरफ से एक डैश कैम, इनबिल्ट डैश कैम इस कार में प्रोवाइड कर रही है, जो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी फीचर भी है कार को, आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है यार ये, और कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है ये फर्स्ट टाइम इन द सेगमेंट। तो भाई मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हॉन्डाई कर रही है। उसके अलावा इस कार में आपको वॉइस इनेबल्ड सनरूफ देखने को मिलेगा, जो अभी फिलहाल सनरूफ इस सेगमेंट की और कार ऑफर्स नहीं कर रही। हाँ, पंच CNG में हमने ऐसा देखा था, ऑटो एक्सपो में सनरूफ आएगा, बट अभी फिलहाल नहीं है। बट अभी अभी इस टाइम पे, करंट टाइम पे इस सेगमेंट में हॉन्डाई एक्स्ट्रा वॉइस इनेबल्ड सनरूफ आपको दे रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस कार में दिए जा रहे हैं। तो फीचर वाइज अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा इस सेगमेंट की बाकी सब कारों से, पंच को छोड़ दीजिए, बाकी सब कारों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है।
तो फीचर्स इस कार में आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। अब लास्ट में बात करते हैं यार कंक्लूजन की, कि क्या ये कार एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है पंच के कंपैरिजन में, या क्या ये कार पंच की सेल इंपैक्ट कर सकता है। तो देखो यार, मैं खुद एक पंच ओन कर रहा हूँ, मुझे खुद टाटा की कार्स बहुत पसंद है। इनफैक्ट अगर मैं शायद इस कार को अपग्रेड करूँ तो मे भी शायद मैं दोबारा कोई टाटा की कार लेना चाहूँ। बट अभी मैं करंट अगर सिनेरियो की बात करूँ तो यार मैं यहाँ पे बायस नहीं हूँगा, बट मैं सही बताऊँ हुंडई एक्स्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है अगर आप इस सेगमेंट में कार देख रहे हो। अगर आपको लुक्स चलेगा या लुक्स, बिकॉज लुक्स सब्जेक्टिव है, अगर आपको लुक्स पसंद आ रहे हैं, लुक्स समझ आ रहा है तो, और सेफ्टी में थोड़ा बहुत, बिकॉज सेफ्टी ऐसा नहीं बोलूँगा यार कि सेफ्टी बिल्कुल ख़राब है, बिकॉज बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं कार में जो कि इस कार की सेफ्टी रेटिंग में कहीं ना कहीं और बढ़ाएंगे इस कार की सेफ्टी रेटिंग को। तो अगर आपको लुक से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी में भी आई थिंक ये कार सही रहेगी। तो उसके अलावा देखा जाए तो एक एक्स्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है, एंड कहीं ना कहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कार पंच की सेल्स पे इम्पैक्ट डाल सकता है। इस सेगमेंट में कार देख रहे हो तो प्लीज़ वेट फॉर दिस कार, ये कार एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। जैसी ये कार लॉन्च होती है हम इसका रिव्यू वीडियोस आपके साथ ज़रूर लाएंगे, ड्राइव रिव्यू वीडियोस, और चला के देखेंगे कि ये कार चलाने में कैसी है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।